उदयपुर के एक सेंटर पर जहां पर हो रहा है फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का एग्जाम। तो आइए स्टूडेंट से जानते हैं कि उनका पेपर कैसा हुआ, पेपर का लेवल क्या था और उन्होंने कितना कुछ अटेम्प्ट किया। हेलो सर, माय नेम इज आर्यन विश्वास। तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो आपने पेपर दिया फर्स्ट ग्रेड का कॉमर्स का, उसका आपका कैसा रहा पेपर? आपने उसमें से कितना अटेम्प्ट किया? सर आपको क्या लगता है कि दोनों पेपर मिला के मेरे क्या जाने वाली है? ओके थैंक यू सो मच। सो आपका गुड नेम? भरत कुमार। सो अभी हम भरत कुमार जी से मिले, उन्होंने बताया कि पेपर का लेवल अच्छा था, उन्होंने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अरे एक्सपर्ट। अब हम जानते किसी और से। सर तो बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपका फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का एग्ज़ाम था वो कैसा रहा? सर पेपर अच्छा रहा है, लेवल था सब कुछ थोड़ा सा। सेकंड पेपर जो था थ्योरेटिकल बेस्ड था, अकाउंट्स थी वो पूरी थ्योरेटिकल बेस्ड थी, इकोनॉमिक्स का पार्ट अच्छा था, बिजनेस का पार्ट अच्छा था, साइकोलॉजी के क्वेश्चन हर साल की अपेक्षा इस बार कम थे, लगभग 20-22 क्वेश्चन के आसपास थे, 20-21 क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। ओवरऑल पेपर देखा जाए मॉडरेट पेपर था, ना तो टफ था ना इजी था, मॉडरेट पेपर था। वही बात कट ऑफ की तो 280 प्लस कैसा हुआ आसपास कट ऑफ। सो मेनली सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आए? सिंपल क्वेश्चन थे लगभग सेम, अकाउंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स तीनों मिला के 130 के आसपास क्वेश्चन थे, तो लगभग 40-42-44 सर आपका अटेम्प्ट क्या रहा? 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपका अटेम्प्ट क्या रहा? मेरा अटेम्प्ट 121। ओके 121, बहुत अच्छा अटेम्प्ट। सर आपको क्या लगता है मेरिट क्या जाने वाली? 280 प्लस। ओके तो अभी हम आपका गुड नेम सज्जन सिंह राव। तो सज्जन सिंह राव जी से मिले हम, जाना एक और इनका भी लो। गुड नेम, गुड इज योर गुड नेम? राजगोपाल। ओके तो राजगोपाल जी से पूछते हैं कि इनका पेपर कैसा रहा। तो सर आपका पेपर कैसा राजगोपाल? फर्स्ट ग्रेड का था, अच्छा था। ओके सेकंड क्वेश्चन इज कि पेपर का लेवल कैसा था? लेवल ना का ठीक था, फर्स्ट पेपर की कंपैरिजन में कैसा लेवल? थोड़ा सा हार्ड था। थर्ड क्वेश्चन इज कि 150 क्वेश्चन का पेपर होता है सर, आपका अटेम्प्ट क्या रहा? मेरा कैसा था? बहुत अच्छा अटेंडेंस सर का 120 का। तो आपके अकॉर्डिंग क्या जाने वाली? ओके तो सर ने जो 120 अटेम्प्ट किया और सर का विचार है कि 50 से ऊपर जानी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। अब हम आ जाओ। व्हाट इज योर गुड नेम सर? गौरीशंकर। ओके गौरीशंकर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आज का पेपर हुआ आपका उसका लेवल क्या था? लेवल मीडियम मार्क्स में, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा। ओके फर्स्ट पेपर के कंपेरिजन में ये थोड़ा ईजी था। यस। ओके एंड सेकंड क्वेश्चन इज आपका रहा कैसा पेपर ओवरऑल? मेरा 121 क्वेश्चन आई मैंने, लगभग सारे वेटेज सेम, सब्जेक्ट का सेम था, अकाउंटेंसी सबसे बड़ा। ओके तो ईजी थी अकाउंटेंसी, इजी थी आज के पेपर में, इनका मानना ऐसा है। अब 150 में से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट 120 बन करा। 120 राहुल। ओके और आपके अकॉर्डिंग मेरिट क्या जाने वाली सर? 280। ओके तो गौरी शंकर जी के अकॉर्डिंग 82-85 तक मेरिट जा सकती है और इनका अटेम्प्ट 120 बन रहा है। अब राहुल जी सर से जानते हैं, व्हाट इज योर गुड नेम? राहुल। दिस इज आर्यन फ्रॉम आरपीएससी अड्डा क्लासेस। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर जो आपका पेपर हुआ आज का उसका लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट था। और अगर आप ये इस बारे में पूछना चाहूँगा कि आपका कैसा रहा ओवरऑल पेपर? मेरा काफ़ी अच्छा रहा। ओके आपका अटेम्प्ट क्या था सर 150 क्वेश्चन में से? 145। वाह सर 145। अब तक के ये जो है गोल्डन स्टूडेंट रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट इनका ही रहा है। आपके अकॉर्डिंग सर जो अपना मेरिट होने वाला है वो क्या होने वाला है? कितनी लग रही है? 300 के आसपास। ओके 300। और बेसिकली कितने नंबर का होता है पेपर ये? 300 का होता है, फर्स्ट वाला 150 का होता है। ओके तो 450 में से इनका मानना है कि 300 मेरिट इस बार जा सकती है और इनका 145 रहा है। तो थैंक यू सो मच गौरी शंकर जी, आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहा है। यहाँ घुस जाओ।
इनका और ले लो इनका भी। ये तो सर नॉन एक्सपीरियंस है सर, गवर्नमेंट में फिर। अरे बताओ भी अपना अनुभव बताओ। सर मैं हूँ आरपीएससी अड्डा क्लासेस से आर्यन विजयवर्गीय। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो आपका पेपर हुआ फर्स्ट ग्रेड का, उसमें आपका क्या था सर, उसमें मतलब आपका कैसा हुआ सर? नहीं, मेरा बढ़िया हुआ, लास्ट अटेम्प्ट था उससे तो बेटर रहा मेरा। और पेपर भी उतना ज़्यादा लेवल का भी नहीं था, ज़्यादा लो भी नहीं कह सकते, मिडिल था, नॉर्मल ज़्यादा थे, उसमें भी थोड़े न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। लास्ट टाइम इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था, इस बार थोड़ा न्यूमेरिकल बढ़ा दिया और साइकोलॉजी भी इन्होंने नॉर्मल दी थी, ज़्यादा उतना लेवल नहीं था। इकोनॉमिक्स में करंट डेटा वाले क्वेश्चन आए? करंट डेटा के नहीं, एक दो क्वेश्चन योजना के आए थे, बाकी ज़्यादा कोई टैक्स कूपन ऑर्गेनाइज कौन करता था ना, ये चीज़ें सारी। अच्छा, ईजी क्वेश्चन थे, अकाउंट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा थे? दोनों था, प्रैक्टिकल भी था इस बार, थोड़ा प्रैक्टिकल का थोड़ा सा लेवल रखा था इन्होंने, प्रैक्टिकल का लेवल अच्छा रखा था। मतलब जिन लोगों ने प्रैक्टिकल अच्छा किया, प्रैक्टिकल कितने क्वेश्चन आए थे? लगभग मान लो 8 से 10 क्वेश्चन थे। 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिकल थे। और बिजनेस का लेवल कैसा रहा? बिजनेस का मॉडरेट था, मॉडरेट कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा बेस था इसमें। अच्छा, उसमें जो जिसमें वो बिहेवियर वाले जो क्वेश्चन थे वो मार्केटिंग के थे, उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस थोड़े ज़्यादा डाल दिए थे, बाकी मॉडरेट। आपका क्या अकाउंट रहा? 150 क्वेश्चन थे, आपने उसमें से कितने अटेम्प्ट किए? 125। ओके, इनका अटेम्प्ट 125 रहा, और आपके अकॉर्डिंग मेरिट क्या जा सकती है सर इसमें? लास्ट टाइम 290 के आसपास गई थी, और EWS की 285 गई थी। इस बार पोस्टें थोड़ी ज़्यादा है, पहले 118 थी, इस बार 130 है। और लोगों को टाइम भी वैसे 2 महीने का रहा है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतनी अब जाएगी, 250 के आसपास। आपके अकॉर्डिंग 250 इस बार मेरिट हमारी जाने वाली है। सर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रहे आज के पेपर में? अप्रॉक्सीमेट हर टॉपिक को इन्होंने टच किया। ओके, तो सर के अकॉर्डिंग इस बार 250 मेरिट जा सकती है, और सारे जो क्वेश्चंस थे वो इक्वल थे, ना कोई ज़्यादा था ना कुछ था। और इनका ये मानना अकाउंटेंसी में जिसने प्रैक्टिकल किया उन्होंने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया थ्योरेटिकल के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट यू। सो बेसिकली अब हम किसी और से भी जाने के, मैम आप तो ठीक है। आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा रहा मैम? ओके, और पेपर का लेवल फर्स्ट पेपर से डाउन था और अप था? फर्स्ट पेपर जो पेपर से डाउन था। अच्छा, मतलब थोड़ा इजी ये पेपर आप मान सकते हैं। और आपने क्या कि आपने 150 अटेम्प्ट किया है, तो मैम का अभी गोल्डन रहा है, मैम सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट 150 किया। आपके अकॉर्डिंग मैम मेरिट क्या जाने वाली इस बार एज पर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग? सो बेसिकली 450 मार्क्स का टोटल पेपर है दोनों, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या मानना है 300 350 250 क्या जाने वाली है? 250 आपका भी मानना यही है, तो मैम भी यही कह रहे हैं, मैम अभी तक 150 अटेम्प्ट किया है और इनका मानना है कि 250 इस बार मेरिट हमारी जा सकती है। थैंक यू सो मच मैम, व्हाट इज योर गुड नेम? प्रियंका मैम से हमने जाना इसके बारे में। अब हम एक मैम एक्सपीरियंस मैम खड़ा है, एक्सपीरियंस से जानते हैं कि आज का जो पेपर था उसका लेवल क्या था। सो मैम, मैं एंकर आर्यन विजयवर्गीय फ्रॉम यू आरपीएससी अड्डा क्लासेस से आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपका आज फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ कॉमर्स का, उसका आपका कैसा रहा? फर्स्ट पेपर से इसका लेवल थोड़ा कम था। और अटेम्प्ट मैंने 106 क्वेश्चंस किए। 150 में से आपने 106 किए। और मैम, ज़्यादा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आए, आपको ज़्यादा टिपिकल लगा, ज़्यादा इजी लगा? किसने कौन सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करके वो ये पेपर निकाल सकता आपके अकॉर्डिंग? तो मैम के अकॉर्डिंग भी यही है जैसा कि हमने पहले सुना कि अकाउंट्स में जिसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है उसका पेपर आज का बहुत अच्छा रहा होगा, और मैम के अकॉर्डिंग भी आज की मेरिट 250 जा सकती है। मैम का जो अकाउंट रहा है वो 106 रहा है, मैम अटेम्प्ट किया 106। थैंक यू सो मच। तो आज हमने स्टूडेंट से जाना कि आज का जो पेपर था वो कैसा रहा, उसका लेवल कैसा था, लोगों ने क्या अटेम्प्ट करा, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है सभी का अभी तक।
सबने लगभग 100 से ऊपर ही जो है वो अटेम्प्ट किए हैं, और इनका मानना भी है कि 250 से 300 तक हमारी मेरिट जा सकती है। तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए, आरपीएससी अड्डा क्लासेस से जुड़े रहिए, और आगे के अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।